आज हम लोग अल्लाह के नाम पर एक जानवर को कुर्बान करते हैं। क्या बात है, सिलसिला इसलिए शुरू हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह के हुक्म से दिया था, और जब वो देने गए, जब आग की पट्टी उन्होंने खोला तो उनके सामने एक दुम्बा आ गया था। उसी वो सिलसिला तब से आज तक हम लोग कायम है, और हम लोग उसी तरह से कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं। जनपद वासियों क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे जनपद वासियों को संदेश देना चाहते हैं, पूरी शांति से, अमन से ये हमारा ईद उल अजहा का त्यौहार मनाएं। किसी तरह की कोई ऐसी पोस्ट न डालें कुर्बानी की, और सब लोग मिलजुल कर आपस में रहें, और साफ सफाई का जो वेस्ट है उसके भी साई साहब का पुख्ता इंतजाम करें। अपनी टीमों, अपने बालों और अपनी सूरत का जमीन पर पीछे से पहले अल्लाह के हाथ जल्दी सर, आज बकरीद की नमाज अदा हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कहीं दूर दूर से आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज इस बकरीद के अवसर पर जनपद जौनपुर में दो सुपर जोन, 7 जोन और 28 सेक्टर बनाए गए हैं। इस अवसर पर पुलिस की सादे वर्दी में ड्यूटी पर्याप्त संख्या में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर
महिला आरक्षी, पुरुष आरक्षी, इन सबकी ड्यूटी लगाई गई है। एलआई की ड्यूटी लगाई गई है, फायर सर्विस की ड्यूटी लगाई गई है, पीएसी की ड्यूटी लगाई गई है और इस बकरीद के पर्व को साफ संपन्न कराएंगे। सर इस शाहिद का जो है यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पर बहुत ही भीड़, काफी संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जिस तरह से ट्रैफिक है, तमाम जो सुविधाएं किस तरह से दिया गया है, व्यवस्थाएं किस तरह से दी गई है? इस अवसर पर आप देख रहे होंगे मैंने रूट पर ड्यूटी लगाई गई है, चौराहे तिराहे पर ड्यूटी लगाई है, जिससे कि जो नमाजी हैं उनको आवागमन में कोई दिक्कत ना हो और पर्याप्त संख्या में मेरे साथ पुलिस वाले लगे हुए हैं। हम लोगों ने इससे पहले पीस कमेटी की मीटिंग की थी, धर्मगुरुओं से मीटिंग की थी, आपस में समन्वय स्थापित किया था, इन्हीं सब प्रयासों की वजह से ये ईद का पर्व सफल संपन्न हुआ। अल्लाह तबारक ताला कुर्बानी करने वाले को एक नीति जानवर है जिनके लिए खून होता है, जैसे आप फरमाते हैं बिल्कुल तू भी हसना, हर खून के बाद के बदले में अल्लाह एक नीति।